बात करूँगा आपसे जाखू टेम्पल कैसे पहुँचे। जाखू टेम्पल पहुँचने के लिए बहुत आसान है, आप किसी भी तरीके से दरिज पर पहुँचे। दरिज में पहुँचने के बाद उसके पीछे क्राइस्ट चर्च है, क्राइस्ट चर्च के ठीक पीछे जो आपको लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा मेरी वीडियो में आगे दिखेगा, उस लोकेशन से आपको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की HRTC राइड विथ प्राइड की गाड़ी मिलती है। दो गाड़ियाँ इनकी चलती हैं कंटिन्यू। एक साइड का इनका फेयर जो है वो 20 रुपये पर पर्सन है, ये ओनली वन साइडेड का है, और वापस रिटर्न के लिए भी ये लोग उधर से 20 रुपीज़ है। मात्र 40 रुपये में आप जाखू टेम्पल जाके वापस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा सुविधा और कहीं मिलेगी नहीं। आप भी आइए, इसको एंजॉय करिए, मेरी वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आगे आपको जो भी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं जाखू रोपवे से, रोपवे ऊपर की तरफ जाते हुए जाखू टेम्पल की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, और ये जाखू टेम्पल पर बजरंगबली का स्टैचू जो पूरे शिमला से कहीं से भी आपको दिखता रहेगा। और ये वो पॉइंट है, ये वो लोकेशन है जहां आपको HRTC की कार मिलती है जो हमें जाखू टेम्पल पहुंचाती है। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, इस समय आएगी तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं HRTC की राइड विथ प्राइड, जाखू टेम्पल जाने के लिए इससे अच्छा साधन कोई नहीं है, मात्र 20 रुपये में है। लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये चर्च के ठीक पीछे ये लगता है, और हर 5-10 मिनट पर आपको मिलता रहेगा, और इससे सस्ता कुछ नहीं है। मात्र 20 रुपये में आप जाखू टेम्पल वन वे जा सकते हैं। रिटर्न के लिए भी आपको ये वहीं से मिल जाएगी, आना जाना आपका दोनों 40 रुपये में हो जाएगा, तो इससे बेस्ट साधन कोई नहीं है। बस ये लीजिए, तीन पर्सन का 960 रुपये। कितना है बंदे का? 20 रुपये। कितने बजे चलती है लास्ट? 5 बजे। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं 3 पैसेंजर का 60 रुपये है, तो हम लोग टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। HRTC की बस से कार से 20 रुपये पर पर्सन। वहाँ ऊपर जाने के भी 20? जहाँ मर्जी कर लिया आप, 20 मोड़ पर 20 रुपये। ये लोग आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है, काफी खड़ी चढ़ाई है, ऐसी जगह पे हर किसी की बस की बात नहीं चल रहा। यहाँ एक्सप्रेस लोग भी चल सकते हैं। ऊपर वाले देर है ले रहे।
आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं पैदल। भैया नीचे से भर के लेके आते हो क्या? हाँ जी हाँ। अच्छा, मतलब रास्ते से बैठना हो तो नहीं बैठ सकते? दूसरे वाले को बोल दो यार 3 सीटें खाली ले आएगा यार। कहाँ जाना है? ऊपर ही जाना। थोड़ा बहुत होगा। हैं? अभी तो देखता हूँ। क्या? ये आप देख सकते हैं काफी जब तक इस अपने रास्ते हैं यहाँ पर टेंपल जाने के लिए।
पहुंचाता है वन साइड ये आप देख सकते हैं हम लोग जाकू टेम्पल पहुंच चुके हैं और यहां से पैदल यात्रा शुरू हो गई। ये देखिए ये हम लोग चल रहे हैं टेम्पल की तरफ सीढ़ी चढ़ते हुए। महावीर विक्रम बजरंगे सुमन निवास सुमत के संगी कंचन वरण कुए विराज कुवेसा काना कुंजन कुत्ती के था पांच बज और ध्वजा विराजे काने मोद जने उसादे शंकर सुमन के स्नान तेज बता महाज कुंदन जय भजन में जय विरमणी
चले बेटा चले, रुकिए नहीं, चलिए। छूना नहीं है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस पहुंचने वाले हैं, इधर से कृष्णा। और ये देखिए आपको बजरंगबली की अथाह विकराल प्रतिमा के दर्शन कराते हुए आप देख सकते हैं 108 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं बजरंगबली की स्टैचू जाकर टेंपल में। ओ जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं जाकू टेम्पल। ये बजरंगबली का भव्य मंदिर है जहाँ इनकी चरण पादुका एवं मूर्ति स्थापित है। ये आप देख सकते हैं इसमें जाकू पार्क है, ये अन्नपूर्णा कक्ष है और ये जाकू टेंपल है। और काफ़ी ठंडा यहाँ का टेम्परेचर है। जय जय प्रभु। ये आप देख सकते हैं 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। Thank you.
ये आप देख सकते हैं काफी ऊंची मूर्तियां हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बजरंगबली की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मास्क हटा लो, थोड़ा सा हटा लो।